Hello everyone, I welcome you all in this online platform by Alliance IAS Academy where we discuss the current affairs of 2021 through MCQs. So I wish you all a very good luck for today's session. So let's start it with our very first question. So the first statement is, the Supreme Court and the High Courts derive their power from the Constitution of India while the procedure is outlined in the contempt of the Court Act 1971. The Constitution also includes contempt of the court as a reasonable restriction to freedom of speech and expression under Article 19, along with the element like public order and defamation. Which among of the following is / are correct regarding the contempt of the court? A only, B only, both, or none? बेसिकली दोनों जो स्टेटमेंट्स आपका कंटेंप ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड हैं और आपको बताना है कि दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पहला स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि जो कंटेंप ऑफ द कोर्ट है उसकी पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, वहीं जो उसका प्रोसीजर है वो कंटेंप ऑफ द कोर्ट एक्ट के थ्रू आपको मिली है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो इसका आंसर आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं. सो बेसिकली आपका अगर हम स्टेटमेंट वाइज अगर हम चेक करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपका जो पावर्स है आपको कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है. दूसरा यहाँ पे जो प्रोसीजर है बट वो आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 में यहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है. दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है कि कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट आपका एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपका एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्ट करता है जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आर्टिकल 19 के अंदर. सो अब अगर हम कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की बात करें सो बेसिकली It is an the idea behind contempt of the court is to punish whoever do not respect the orders of the court and who do not respect the orders of the court in the Indian context, and the contempt is also to punish speech and that lower the dignity of the court. So contempt of the court basically आपका अगर आप किसी court कि किसी ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट लगता है. फिर आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट आपका दो तरीके के होते हैं, एक आपका सिविल होता है दूसरा आपका क्रिमिनल होता है. सिविल में बेसिकली विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट्स जजमेंट, ओके, आप जानबूझकर अगर कोर्ट के जजमेंट्स को ओबे नहीं कर रहे हैं तो आपका सिविल आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा. दूसरा आपका जो क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट है, अगर आपने कुछ ऐसा वर्ड बोला है या लिखा है जिससे ये लग रहा है कि आप कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर आपका क्रिमिनल कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है. तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बात करी गई है, तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट को पनिश करने की पावर्स दी गई हैं. और जो हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे वो सेक्शन 10 जो है आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर आपका डिफाइन किया गया है. कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट बेसिकली अगर और हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट को आप कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट के बारे में बोलेंगे. ये केस आपका न्यूज़ में रहते कई बार आपने सुना होगा, ओके, तो इसलिए आपका कंटेंप्ट ऑफ द कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन एसोसिएटेड विद कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, आपको बताना है कौन सी कॉटन से एसोसिएटेड नहीं है. सो इट नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 30 डिग्रीज सेल्सियस, दूसरा है इट नीड्स रेनफॉल अराउंड 150 to 200 सेंटीमीटर, थर्ड वन इज़ वेल ड्रेन बैक सॉयल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, या फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव, आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉटन से एसोसिएटेड नहीं है. देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो इसका आंसर आपका बी, विच मीन्स आपका यहाँ पे रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर नहीं है. जो आपका रेनफॉल चाहिए होता है कॉटन को वो 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है. बाकी सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 21 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, बिल्कुल करेक्ट. सॉइल टाइप जो होता है यहाँ पे ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, बिल्कुल करेक्ट है. अगर यहाँ पे हम टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान. तो टॉप फाइव स्टेट्स
इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो ये कॉटन की कल्टीवेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कुछ बातें थी। इसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर अंडर द एग्जम्पशन लिस्ट ऑफ GST। बताना है GST में जो एग्जम्पशन लिस्ट दी गई है जिन पे GST नहीं लागू होता है, तो इन तीनों में से कौन कौन है जो उसके अंदर आते हैं। पेट्रोलियम, टोबैको प्रोडक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटी। आपके ऑप्शंस हैं ANC ओनली, बी ओनली, ए ओनली या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हमने GST कल के सेशन में डिस्कस किया था उसके कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उसमें, तो ये आपके एग्जम्पशन लिस्ट से रिलेटेड बात इसमें करी गई है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि GST का जो आपकी एग्जम्पशन लिस्ट है उसमें ये तीनों ही चीज़ें आपकी आती हैं, पेट्रोलियम, टोबैको प्रोडक्ट्स, स्टैम्प ड्यूटीज़। सो आपका जितना भी टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर होता है, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है GST से। और जितनी भी आपकी कस्टम ड्यूटी विल बी स्टिल कलेक्टेड अलॉन्ग विद लेवी ऑन IGST, तो उसको भी आपका GST से एग्जेम्प्ट किया गया है। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद रेड सी। आपको बताना है कौन सा रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो पहला है इराक, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा है सूडान, चौथा है एरिट्रिया। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर आपका ए, विच मीन्स आपका इराक जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो अब अगर हम इसे मैप में एक बार चेक करें, सो ये आपका इराक है, ये आपकी जो वाटर बॉडी है, ये आपकी रेड सी है। इजिप्ट जैसा ऑप्शन में था बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। सूडान ऑप्शन में था बॉर्डर शेयर करता है, आंसर नहीं होगा। एरिट्रिया ऑप्शन में था बॉर्डर शेयर करता है, आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका इराक, क्योंकि इराक आप देख रहे हैं बहुत दूर है। और कौन कौन सी कंट्रीज आप यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका सऊदी अरेबिया करता है, आपका यमन करता है, ये आपका यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके की वाटर बॉडीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सो इनको एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी है। इंडिया, इसराइल, चाइना, पाकिस्तान। जो आपका न्यूक्लियर स्टेट्स होते हैं उनसे रिलेट करती है ये ट्रीटी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर आपका सी, विच मीन्स चाइना जो है उसने आपकी नॉन इन तीनों में से आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या बात बोली गई है इसमें। सो बेसिकली जो ट्रीटी है ये एक तरीके से आपका जो न्यूक्लियर आर्म से रिलेटेड आपकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो मानी जाती हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर आर्म है, ये जिनके पास नहीं है, यहाँ पे ये नेशंस को प्रोहिबिट करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना रखें, ओके। और एट द सेम टाइम उन स्टेट्स को भी प्रोहिबिट करता है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो उस टेक्नोलॉजी को किसी और के साथ हेल्प ना करें, शेयर ना करें। इसलिए ये ट्रीटी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इस ट्रीटी को आपका जो 1970 में आपका लाया इफेक्ट में लाया गया था, ओके, और इसमें 187 नेशंस इसकी पार्टी हैं, ओके। और फिर इसमें जो 9 जो माने जाते हैं ऐसे नेशंस जो न्यूक्लियर वेपन्स बोला जाता है जिनको माने जाते हैं जो 9 अभी तक के, तो उसमें से 5 ने इस ट्रीटी पे साइन किया है। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्होंने इस पे साइन किया है। किसने साइन नहीं किया है? इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो इन लोगों ने इसमें साइन नहीं किया है। याद रखिएगा ये इनकी बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर वेपन माने बोला जाता है कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन है। अदरवाइज और अगर हम आगे देखेंगे तो आपको साउथ सूडान भी इसमें दिखेगा जिसने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो टोटल 5 ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। लेकिन हम अगर इन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स की बात करें जो माने जाते हैं 9, उसमें से आपका इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, साउथ नॉर्थ कोरिया। सो इसके साथ ही अगर हम इसे एक बार मैप में देखें तो ये जो आपका डार्क ब्लू से आपकी कंट्रीज़ बता रखी हैं ये वो हैं जिन ये NPT की न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं।
जो आपका लाइट ब्लू से बता रखी हैं ये आपकी नॉन एनपीटी जो स्टेट्स हैं वो हैं। तो जैसे आपको दिख ही रहा होगा इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे आपको इसराइल है, तो ये वो हैं जिन, ये आपका नॉर्थ कोरिया, तो ये वो हैं जिन्होंने आपका इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। जो आपका ग्रीन में है ये नाटो न्यूक्लियर शेयर वेपर शेयरिंग है, तो क्योंकि ये आपके नाटो के मेंबर्स हैं इसीलिए इनके पास वेपन टेक्नोलॉजी ये आपस में शेयर कर लेते हैं। और जो रेड से हैं ये आपके सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, मतलब जिनको जिन्होंने बताया नहीं है ऑफिशियली, बट स्टिल ये अज्यूम किया जाता है कि या फिर सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो जैसे यहाँ पर आपका ईरान हो गया, आपका यहाँ पर सीरिया हो गया, तो इनको यहाँ पर हम सस्पेक्टेड न्यूक्लियर वेपन स्टेट में काउंट करते हैं। सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस कौन सा आपका डार्क ब्लू में है, कौन सा आपका लाइट ब्लू में है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो उसके बढ़ने से पहले अगर हम इंडिया का स्टैंड एनपीटी में देखें कि इंडिया क्यों नहीं एनपीटी को साइन कर रहा है, क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह की बात करें तो उसमें जो परमानेंट सीट पाने के लिए एनपीटी का साइन, एनपीटी एक बहुत बड़ा उसके बीच में हमारे लिए स्टेप है। तो स्टिल हम इस एनपीटी को साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इसे डिस्क्रिमिनेटरी कंसीडर करता है और इंडिया ये बोलता है कि ये ट्रीटी एक तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उनकी मोनोपोली को लेजिटिमाइज कर रही है, ओके, और बाकी जो नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और इसीलिए यहाँ पे इंडिया इस तरीके से इसमें साइन नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें आपको साउथ सूडान भी दिखेगा जिसने इस, या तो नॉन, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने या तो साइन किया है, साइन नहीं किया है, या फिर उन्होंने बाद में विड्रॉ किए हैं। तो उसमें आपके पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, मोस्टली हमें साउथ सूडान पता नहीं होता है, बट साउथ सूडान भी इसमें आपके एक पार्टी है जिसने साइन नहीं किया है। सो उसके साथ ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट रिगार्डिंग द रॉटरडम कन्वेंशन। सो फर्स्ट इज, इट इज़ एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1989। सो आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इन्वायरमेंट बेस्ड कन्वेंशन जो हम कर रहे हैं उसमें महाराज का क्वेश्चन ये बनता है, तो इसका आंसर है ए ओनली, क्योंकि आपका ये जो अडॉप्ट हुआ था 1998 में अडॉप्ट हुआ था। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये हजार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड से रिलेटेड बात करता है। उसके साथ ये 2004 में आपका फोर्स में आया था, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। देन अगर हम इस ट्रीटी के बारे में आगे बात करें तो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस करता है पार्टीज़ के ऊपर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, ओके। इंडिया इसका पार्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया ने इसको साइन कर लिया था, ओके, और ये इंडिया में आपका 2005 में फोर्स में भी आ चुका है, विच मीन्स रेटिफाई भी हो चुका है। सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कोर इंडस्ट्री पोजेसेस हाईएस्ट वेटेज आउट ऑफ ऑल एट। आपको बताना है कि टोटल जो एट कोर इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें से या फिर इनमें से कौन सी ऐसी है जिसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है। सो कोल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो इसका आंसर है आपका बी, विच मीन्स आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसा कि इसमें आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से ये टेबल जो बनी है, सो जो ये आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वाला सिस्टम है, ये देखिए 28.04 वेटेज जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को मिला है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपका जो ट्रेंड जो सीरीज़ है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, कैसे भी आ सकता है, असेंडिंग आ सकता है, डिसेंडिंग आ सकता है अरेंज करने के लिए। सो सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड आप देख रहे होंगे कि ये है आपका थर्ड, विच मीन्स आपका स्टील जो है थर्ड नंबर पे आता है। उसके बाद जो आपका आता है वो है आपका कोल, सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोल उसके बाद आपका इसमें आता है। सो और फिर इसके बाद जो आपका आता है वो है आपका क्रूड ऑयल। सो टॉप फाइव में इस तरीके से आते हैं। सबसे कम आप देखेंगे इसमें किसको मिला है, सबसे कम इसमें आपको फर्टिलाइज़र को आपको इसमें मिला है, एट कोर इंडस्ट्रीज में सबसे कम जो वेटेज है फर्टिलाइज़र को यहाँ पर मिला है।
सो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो वोरुख इज़ एसोसिएटेड विद, आपने सुना होगा अगर आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो, ये एक लोकेशन है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से एसोसिएट करती है. किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, नन ऑफ द अबव. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है अगर आप न्यूज़ को अच्छे से कवर कर रहे हैं. इवन अगर आपने हल्का फुल्का भी पढ़ा है तो भी आप इसे बता सकते हैं. तो देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है बी, विच मीन्स इसका आंसर है तजाकिस्तान. क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपका वोरुख वाला जो लोकेशन है वो है ये है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये आपका किर्गिस्तान और तजाकिस्तान इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहे हैं उसकी वजह से ये आपका न्यूज़ में था. तो इस तरीके की लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैसे यहाँ पे तजाकिस्तान की जो कैपिटल है दुशनबे, यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तजाकिस्तान की कैपिटल क्या, आप ये भी एक बार दिमाग में रख सकते हैं. दूसरा यहाँ पे एक और लोकेशन आपको देखने को मिलती है, ये आपके यहाँ का किर्गिस्तान है. यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तजाकिस्तान के साथ और कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी किर्गिस्तान के साथ चल रहा है. सो उज्बेकिस्तान करता है आपका, अफगानिस्तान करता है, चाइना यहाँ पर आपका बॉर्डर शेयर करता है. तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, आपको पता ही होगा, बट स्टिल आप एक बार बता सकते हैं कि यहाँ पे किर्गिस्तान की जो कैपिटल है आपको एक बार वो बतानी है कमेंट सेक्शन में. इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे मेंशन नहीं है तो एक बार आप बता सकते हैं, एटलस खोल के देख सकते हैं, तब वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, आपको बताना है कि रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है. ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी UNDP या डी नन ऑफ द अबव. इस तरीके की रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो देखते हैं ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है. तो इसका आंसर आपका ए, विच इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो बेसिकली ये आपका 2006 में सबसे पहले ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी. 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें अब मतलब अभी तक जो लास्ट रिपोर्ट निकली है तो उसमें 153 कंट्रीज़ को इन्होंने कवर किया था. बेसिकली जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे एक मेजर करती है ये रिपोर्ट, तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो कॉर्पेट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, आपको बताना है कि कॉर्पेट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है. इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया जापान, इंडिया थाईलैंड या फिर नन ऑफ द अबव. देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो इसका आंसर आपका सी, विच मीन्स इंडिया थाईलैंड. तो बेसिकली इसका जो 30th एडिशन जो था कुछ टाइम पहले हुआ था, तो ये इंडियन नेवी और जो थाईलैंड की जो नेवी है उसके बीच में ये आपकी एक्सरसाइज होती है, और ये 2020 में लास्ट हुई थी नवंबर में. तो ये आपका इंडियन ओशन में ये वाली फॉर पीसफुल इंडिया ओशन सेफ गार्ड से रिलेट है ये, तो इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो उसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के एंड पे पहुंचते हैं. तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे, एक्सप्लेनेशन समझे होंगे. अगर आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई यहाँ पे डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में भी जो क्वेरीज हैं उसे पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें क्लियर करने की. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर